15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर के दोपहर 12 बजे तक चर लाभ और अमृत का चुगड़िया रहेगा एवं दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक शुभ और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक शुभ अमृत एवं चर का चुगड़िया रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 से हो जाएगा, जो कि 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी जो प्रतिपदा रहेगी वो 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को अपने अपने निवास स्थान में घर में कलश की स्थापना करना चाहिए। जब आप कलश की स्थापना करें तो ध्यान रखें कि उस कलश में 1 सिक्का, सुपारी एवं पीले चावल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पीले चावल डालने से महालक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होगा। पीले चावल जब हम देवी दुर्गा को अर्पण करते हैं या कलश में चढ़ाते हैं तो हमारे घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है, 10 प्रकार की लक्ष्मी का निवास होता है। चावल को आप हल्दी में या केसर में पी ले करके पूजा के दौरान उपयोग करेंगे, कलश में डालेंगे, तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में रुपये पैसों की, धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा घट स्थापना की विधि क्या रहेगी। आप अपने घर में, अपने निवास स्थान में सरल तरीके से घट स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं तथा नवरात्रि का व्रत आपको कब करना है एवं नवरात्रि के दौरान दुर्गाष्टमी का महापर्व कब रहेगा तथा दुर्गा नवमी कब रहेगी एवं विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व कब रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी उन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को प्राप्त हो सके जो शारदीय नवरात्र में अपने घर में कलश स्थापना करना चाहते हैं, घट स्थापना करना चाहते हैं या फिर नवरात्र का व्रत रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन महीने में नवरात्र आते हैं और आश्विन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा तथा आराधना की जाती है और सभी अपने अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और माता रानी की सेवा तथा पूजा करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में यदि सबसे जल्दी कोई फल देने वाले देवी देवता है तो वो चंडी यानी माँ दुर्गा और भगवान गणेश जी है। तो सभी भक्तजन, माताएं बहनें, माता रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए नवरात्र के दौरान व्रत रखते हैं, सुबह शाम माता की सेवा करके पूजा तथा आरती करते हैं। माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित है। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से, आराधना करने से, सेवा करने से, पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकटों और कष्टों का विनाश हो जाता है। नवग्रहों की अशुभता दूर होती है, जीवन सुखमय बनता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है।
इस बार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से होगा और इस नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर को होगा। हालांकि 24 अक्टूबर को विजयादशमी का महापर्व रहेगा। तो अधिकतम घरों में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक पूजन अर्चन होता है और नवमी के दिन विसर्जन के साथ नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। लेकिन कई स्थानों पर कई परिवारों में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक यानी पूरी नौ रात्रि माता रानी की सेवा पूजा होती है और दशमी के दिन यानी दशहरे विजयादशमी के महापर्व के अवसर पर नवरात्रि पर्व का विसर्जन कर दिया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से प्रारंभ होगी तथा 23 अक्टूबर 2023 को मंगलवार को नवरात्रि यानी नवमी महापर्व रहेगा। दुर्गा नवमी के नाम से इसे जाना जाएगा। 24 अक्टूबर को विजयादशमी का महापर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 से हो जाएगा और 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि में उदिया तिथि के अनुसार घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन सुबह 7:30 से लेकर के दोपहर 12 तक तीन चौगड़े रहेंगे यानी चार लाभ और अमृत का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 से लेकर के दोपहर 12 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर 1:30 से लेकर के 3 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा शाम को 6 से अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा जो कि रात को 10:30 तक रहेगा। यदि आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 11:48 से अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा जो कि 12:36 तक चलेगा। इस दौरान आप अपने घर में निवास स्थान में घट स्थापना कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में घट स्थापना करना चाहते हैं तो अपने निवास स्थान के या अपने कमरे के जहां पर आप स्थापना करना चाहते हैं वहां के पूर्व या उत्तर भाग में अच्छी शुद्ध और पवित्र वहां की साफ सफाई करके तैयार कर ले और वहां पर गोमूत्र गंगा जल छिड़क करके अच्छा नमक का पोछा लगावे। उसके बाद वहां पर हल्दी या आटे का चोक बनाए, एक चोक पूर दे और उसके ऊपर एक चौकी की स्थापना करें, चौकी यानी जिसे पटा भी कहा जाता है और उसके ऊपर लाल कपड़ा आपको बिछाना है तथा उसके मध्य भाग में माता रानी के श्री विग्रह, यदि आपके घर में माता रानी की मूर्ति है तो उनकी स्थापना करें और मूर्ति नहीं है तो माता रानी के चित्र की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करना चाहिए तथा माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वो स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आपको अखंड ज्योति जलाना चाहिए। लेकिन अखंड ज्योति जलाने का यदि सामर्थ्य नहीं है, आप पूरा अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं, तो आप सामान्य तौर से जब सुबह शाम पूजा आरती करें उस समय एक शुद्ध घी का दीपक जला लें और आरती के लिए एक दीपक अलग से तैयार कर लें। सबसे पहले आपको उस लाल कपड़े के ऊपर गेहूं की ढेरी रख करके तांबे का या मिट्टी का कलश जिसके ऊपर आम के पत्ते रख करके नारियल रख करके कलश की स्थापना करें और उनके सामने दो सुपारी चावल की ढेरी पर रख करके गौरी गणेश की स्थापना करें। इस प्रकार आपको अपने घर में सरल तरीके से स्थापना करनी है और यदि किसी विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाना चाहते हैं
या पूरे और भी अलग विस्तार पूर्वक करना चाहते हैं तो आप नवग्रह भी स्थापित कर सकते हैं, इनके साथ षोडश मातृका भी आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थी को सामान्य तौर से गौरी गणेश कलश और देवी जी की स्थापना करके और उनकी सेवा पूजा तथा आरती करना चाहिए। लेकिन यदि आप विस्तार पूर्वक करना चाहते हैं तो आप जवारे भी स्थापित कर दे, एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी काली मिट्टी डाल करके उसमें जौ या गेहूं के जवारे आपको बोना चाहिए और शुद्ध घी का या तेल का अखंड ज्योत अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए तथा सबसे पहले आप अपना पवित्रीकरण कर ले, शुद्धिकरण कर ले और उसके बाद आप गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें, दीपक प्रज्वलित कर दे और गौरी गणेश का पूजन करने के बाद कलश का पूजन करें, माता रानी का पूजन अर्चन करें और पूजन अर्चन करने के लिए सभी देवताओं को पहले 4 बार जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद पंचामृत और शुद्ध जल अर्पण करना जाता है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शकर और घी। उसके बाद कलावा यानी नाड़े की आंटी उनको अर्पण करें। जो पुरुष देवता होते हैं जैसे गणेश जी, कलश देवता या नवग्रह भगवान, उनको जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको 2 आचमनी जल अर्पण करें, चंदन का तिलक लगाएं या कुमकुम का अष्टगंध का तिलक लगाएं, उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सौभाग्य द्रव्य आपको अर्पण करना है और पुष्प अर्पण करें। माता रानी को लाल फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, माता रानी को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए, माता रानी को कभी भी दुर्वा न अर्पण करें और इस प्रकार आप उनको इत्र लगाएं, सुगंधित पदार्थ चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, फिर नैवेद्यम नैवेद्य के रूप में यदि आप फलाहार करते हैं तो फलाहारी हलवा बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयां भी उनको अर्पण कर सकते हैं या फिर उनको मखाने का भोग भी आप लगा सकते हैं, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स और ऋतु के फल, जो भी फल है जैसे केला है, सेव फल है, नारंगी है, चीकू है, पपीता है, सेव फल है, जो भी आपके पास फल उपलब्ध हो वो फल अर्पण करें। तांबूल के रूप में एक पान, लौंग, इलायची और सुपारी उनको अर्पण करें। एक नारियल के ऊपर स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके भेंट के रूप में समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार पूजा अर्चना करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार जैसी भी आप पूजा करेंगे वैसी पूजा माता रानी अवश्य ही स्वीकार करेगी। माता रानी कहती है कि भक्तों के द्वारा यदि श्रद्धा पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल, फूल जो कुछ भी प्रदान किया जाता है उसे मैं अंगीकार करती हूं, उसे मैं स्वीकार करती हूं। इसलिए आप बिल्कुल भी मन में भ्रम न रखें कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यदि आपको जैसा ज्ञान है उसके अनुसार आप पूजा करेंगे, सच्चे मन से उनकी सेवा करेंगे तो आपकी भक्ति से माता रानी जरूर प्रसन्न होगी और आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। वैसे नवरात्रि के दौरान व्रत रखने का विधान है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में देवी भागवत में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक व्रत रख करके इस व्रत का पारणा 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन ही करना चाहिए। ऐसा यदि संभव नहीं हो तो पहले दिन और आखिरी दिन यानी नवमी के दिन व्रत रख ले और यदि यह भी संभव नहीं है तो आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन भी व्रत रख सकते हैं या अष्टमी, नवमी का भी आप व्रत कर सकते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो उस प्रकार आप व्रत धारण करें, दिन में फलाहार कर लेवे और शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा अर्चना करके आप भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी एक समय भोजन करके भी आप व्रत धारण कर सकते हैं या फिर एक समय फलाहार करके व्रत धारण करें या दोनों समय भी फलाहार करके आप व्रत कर सकते हैं। बहुत कठिन और कठोर व्रत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। माता रानी तो करुणा की मूर्ति है, दया निधान है, वो तो मां है,
और माँ कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं दे सकती है। इसलिए आप जैसे भी व्रत रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, आपकी सेवा को जरूर स्वीकार करेगी। लेकिन ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान पहले दिन या अंतिम दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कन्या के अंदर देवी का वास बताया गया है और 11 वर्ष से कम आयु की कन्या का पूजन सर्वोत्तम बताया गया है। उसके बाद की कन्या का भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। जो बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र आपको लेना चाहिए तथा लाल कपड़ा, नारियल, आम या अशोक के पत्ते आपको लेना है और सप्त धान्य या फिर गेहूं ले लीजिएगा। मिठाई लाइएगा, इत्र, सिक्का, अक्षत, पूजा की सुपारी, गंगाजल, दुर्वा, बिलपत्र, लाल रंग के पुष्प, सिंदूर, कपूर, लौंग, इलायची, पान और नारियल। शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने के लिए ये सब पूजन सामग्री आप एकत्रित कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि में लाल कपड़े पहनने का विशेष विधान बताया गया है। यदि आप अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में माता रानी की स्थापना करना चाहते हैं, कलश की स्थापना करना चाहते हैं, तो जब आप रात को सोएं उस समय माता रानी के ऊपर पर्दा लगा दीजिएगा। और यदि पूजा घर में आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, आप स्नान करके शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही उनको स्पर्श करें। लेकिन यदि आप अखंड ज्योति रखते हैं तो आपको रात में कई बार अखंड ज्योति को जाकर के देखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बार बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है। नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग नहीं करवाना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहार के दौरान हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पूरी तरह से तन मन को पवित्र करते हुए आपको नवरात्रि का महापर्व मनाना चाहिए तथा माता रानी का जो स्वरूप है वो महिला का स्वरूप है, इसलिए आपको नवरात्रि के दौरान किसी भी माता बहन को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सभी प्रकार से अपने घर में, परिवार में प्रेम का वातावरण आपको बना करके रखना चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी, किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है और नवरात्रि में तिथि का क्षय होना अशुभ माना जाता है, यानी तिथि का घटना अशुभ माना जाता है। इस बार सबसे अच्छी बात है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तक कोई भी तिथि का क्षय नहीं हुआ है। सब तिथि अलग अलग है, इसलिए आप पूरी भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में माता रानी की पूजा तथा सेवा करें और माता रानी के 9 स्वरूपों की, नव दुर्गा की इस दौरान पूजा अर्चना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टवम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इस प्रकार नवदुर्गा की आराधना शारदीय नवरात्रि के दौरान की जाती है और नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन सभी को अपने अपने परिवार की कुल देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसे महाअष्टमी के अलावा दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी का महापर्व 22 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन मां महागौरी का पूजन अर्चन, कुल देवी की उपासना और कन्या के पूजन का विधान है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा और उनके 9 रूपों के साथ महिषासुर का युद्ध 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन माता रानी ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी।
तभी से माँ दुर्गा व इनके नौ रूपों की भली भांति उपासना तथा पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने सभी भक्तों पर कृपा करती है। इस बार शारदीय नवरात्र 2023 की जो तिथियां हैं वो इस प्रकार रहेगी। 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि है। इस दिन मां शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाएगा। इसी दिन घट स्थापना होगी। 16 अक्टूबर 2023 सोमवार को माता ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन अर्चन किया जाएगा। इस दिन द्वितीय तिथि रहेगी। 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार को माता चंद्रघंटा का पूजन अर्चन होगा। इस दिन तृतीय तिथि रहेगी। 18 अक्टूबर 2023 बुधवार को मां कुष्मांडा का पूजन अर्चन किया जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि रहेगी तथा 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को मां स्कंद माता का दिन रहेगा। इस दिन पंचमी तिथि रहेगी। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को माता कात्यायनी का पूजन होगा। इस दिन षष्ठी तिथि रहेगी। 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को मां कालरात्रि का पूजन अर्चन होगा। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। 22 अक्टूबर 2023 रविवार को मां महागौरी का पूजन अर्चन होगा। इस दिन ही कुल देवी का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। इसी दिन दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का महापर्व रहेगा तथा 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को सिद्धिदात्री देवी का पूजन होगा। इस दिन महानवमी का पूजन अर्चन भी होगा तथा इसी दिन कन्या पूजन हवन आदि कार्य संपन्न होंगे। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को मां दुर्गा का विसर्जन यानी जवारे का विसर्जन किया जाएगा। इसी दिन दशमी तिथि रहेगी। विजया दशमी का महापर्व इस बार 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस बार हाथी पर बैठ करके देवी भगवती पृथ्वी पर आ रही है और हाथी पर बैठ कर आना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी के ऊपर लक्ष्मी स्वरूपा दुर्गा आती है। तो हाथी की सवारी के कारण इस बार देश दुनिया में समृद्धि का आगमन होगा, प्रजा में सुख आएगा और सभी प्रकार से समृद्धि का आगमन होगा। तो आप सभी नवरात्रि के दौरान हमने जैसा बताया है उस प्रकार से पूजन अर्चन करें, माता रानी की आराधना तथा पूजा अर्चना करें और प्रत्येक दिन की जो अलग अलग देवी है उनकी कथा, उनके महात्म्य को श्रवण जरूर करें। हम आपको सभी देवियों की अलग अलग कथा सुनाएंगे, उन कथा को आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को सुनाइएगा। इसका अर्थ यह है कि उसको शेयर भी कर देंगे तो आपको कथा सुनाने का पुण्य प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जो भक्त नव दुर्गा की आराधना करता है, पूजा करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट है, संकट है, तो वो सब समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। यदि पढ़ाई में रुकावट आ रही है तो वह दूर हो जाती है, नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाती है, यदि आमदनी नहीं बढ़ पा रही है तो वो भी बढ़ जाएगी, कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ माता रानी आपको अवश्य ही प्रदान करेगी। बस आपके अंदर माता रानी के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तो श्रद्धा और भाव की भूखी है। जब भक्त उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भक्तों की मनोकामनाओं को माता रानी अवश्य ही पूर्ण होती है। विश्वासम फलदायकम, तो आप पूरा विश्वास करके यदि 9 दिनों तक सच्चे मन से, सच्चे भाव से माता रानी की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट संकट नहीं आएगा और सदैव आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप हमारे माध्यम से नव चंडी का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, शत चंडी का या नवरात्रि का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो आप ऐसे तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।